एक बार क्या हुआ, रसखान साहब पान खाने हिंदू की दुकान में आ गए और कहा कि भैया पान देना जरा। पान तो दिया, पर पान वाले की दुकान में कृष्ण कन्हैया का चित्र लगा था। तो खान साहब ने कहा, ये बालक कौन है, बड़ा सुंदर लग रहा है। उसने कहा कि हमारे भगवान है। अरे तुम्हारे भगवान बहुत अच्छे हैं, पर ये बताओ इसकी माँ बड़ी लापरवाह है। क्यों? देखो ना कितना सुंदर बालक है, और जंगल में खड़ा है और पांव में कोई चरण पादुका नहीं है। तो पान वाले ने यूं ही मजाक में कह दिया, तो तुम ही बनवा दो, तो मैं बना के लाऊं फिर। हाँ हाँ लाओ, ठीक है। अब खान साहब गए, उन्हें क्या पता कि भगवान कहाँ है। उन्हें लगा कि होंगे यहीं कहीं, मैं पहनाऊंगा, बड़ा सुंदर बालक। फोटो देख के ना खान साहब आकर्षित हो गए, कन्हैया है ही ऐसे, भगवान की तरफ वो। अब खान साहब ने बढ़िया नाप के चरण पादुका बनाई और पान वाले की दुकान में आकर बोले, भाई साहब कहाँ है तुम्हारे भगवान, जरा बताओ हम ये चरण पादुका लाए, पहनाएंगे अपने हाथ से, बड़ा सुंदर बालक है। दिन रात अब तो वो छवि ना यहां बस गई खान साहब को। वो चरण पादुका बनाता जाए और कन्हैया की सुंदर सी मूरत का चिंतन करता जाए। और जब वो पहुंचा पान वाले की दुकान में, उससे कहा, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब पान वाले से पूछा, भैया बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ है ये। पान वाले को लगा ये दिमाग खराब कर रहा है, मैंने तो मजाक में कहा, इसने सीरियस ले लिया। अब वो कैसे बताए कि भगवान कहाँ है। उसने कहा, अभी तो यहीं कहीं था, अब किसी और से जाके पूछो, पता नहीं कहाँ। उसने भी टाल दिया। अब वो सबसे पूछता, भैया सबसे जो मिलता बस एक ही बात कहता, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहाँ। किसी ने कहा, भैया तुम किसे ढूंढ रहे हो, बोले श्याम को। तो सामने वाले ने पूछा, वो दिखता कैसे है, जरा हमें तो उसके हुलिया बताओ। तो खान साहब ने जो फोटो देखी थी ना, वो मन में बसी थी, तो वो हुलिया बता रहे, वो नन्हा सा बालक है, छोटा है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, और नैने उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान, बताओ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
सबसे पूछते हैं वो बालक सांवला सा है, घुंघराले से बाल है। अब जिससे पूछ रहा था ना वो भगवान कृष्ण का कोई भक्त रहा होगा, वो समझ गया। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहता कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके कई जगह पर धाम। बताओ ने बताया कि उन्हें बांके बिहारी कहते हैं और वो वृंदावन में मिलेंगे। अब खान साहब ने सारा काम धाम छोड़ा, चरण पादुका ली, ट्रेन पकड़ी और सीधा वृंदावन आए। और वृंदावन सबसे पूछते, भैया ये श्याम कहां है, ये बांके बिहारी कहां है। लोगों ने बताया यहां से लेफ्ट होके राइट चले जाना, सीधा बिहारी जी का मंदिर मिलेगा। अब तो बड़ा खुश हुआ, लो आ गया मैं उसके घर, अब मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। मंदिर आया, बड़ा खुश। अच्छा ये इतना बड़ा बंगला उसका, वाह वाह, मेरा यार बहुत बड़ा आदमी है, बड़े घर में रहता है और इतनी भीड़ भाड़ है, बड़ा नाम है, बड़े लोग मिलने जुलने आते हैं। तो वो भी उस भीड़ में चला अपने यार को मिलने, चरण पादुका पहनाने। जैसे ही मंदिर में घुसा लोगों ने रोका, अरे तुम मुसलमान लगते हो, हाँ तो तुम यहां क्या करने जा रहे हो, दर्शन मिलने, मेरा यार रहता है यहां। अब लोगों ने उसके भाव को समझा नहीं, वही बात आ गई भाव की, भाव को कई बार सब लोग समझते नहीं। उन्होंने सामान्य भाव से लिया, अरे तुम अंदर जाओगे, कोई उत्पात मचाओ, कोई तुम अंदर ना जाओ, चलो बाहर। मुझे ना रोको भाई मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी। लोगों ने नहीं मिलने दिया, चलो बाहर। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। जब उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया तो उसे लगा कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे यार का ऐसा नियम हो के हम लोग अंदर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, हे मेरे श्याम तुम बाहर आ जाना, तुम्हें चरण पादुक अपने हाथ से पहनाने का मन है, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, वो तो बाहर आ सकता है। इस भाव से कि वो बाहर आएगा। सीढ़ियों पे मंदिर की डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। फिर जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई,
देखिए इंतजार, भगवान के लिए भक्त को जिद्दी होना पड़ेगा, जिद्दी। जाग गया, कहां आज जागने वाले ऐसे भक्त हैं, ऐसी आस्था वाले। आज तो जरा सा धक्का लग जाए तो लोग कहते रे मेरा अपमान कर दिया। अरे मंदिर गए थे सम्मान पाने गए थे कि भगवान का दर्शन करने, धक्का तो लगेगा, भीड़ भाड़ तो होती ही है। कई लोग कह रहे मुझे तो धक्के मार दिए, ना मेरी मां, यदि सम्मान की भूख है तो घर पे रहो, भगवान के दर पर सम्मान की चाह लेकर ना जाना। भगवान के दर पर तो देखो ऐसे तुम्हें बैठना पड़ेगा, कीचड़ है तो भी बैठना पड़ेगा और पानी है तो भी बैठना पड़ेगा। यदि अपने घर के सुख से आप ज्यादा चिपके हुए हैं तो भगवान के मतलब के आप नहीं हैं। भगवान के लिए तो सम्मान का भी त्याग करना पड़ेगा, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पैसा घर पर रख के जाओ, सच्चे बनकर, सरल बनकर भगवान के द्वार पर जाओ। जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा था नन्हा श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे। जब उसने यहां वहां देखा, कोई आहट सी लगता, आ रहा है आ रहा है, और जब नजर झुकी तो चरणों में ही गोविंद बैठे। वाह, वही छवि जो तस्वीर में देखी, वही आकार, वही घुंघराले बाल, वही मुस्कान, वाह वाह। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार जताया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हो, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव, बताओ साहब ने देखा कि चरण पादुका में अब पांव में कांटे चुभे हैं। खान साहब रोने लगे, मुझे डर था कि आप जंगल में खड़े हो, जरूर पांव में छाले पड़ेंगे, देखो पड़ गए, क्यों पड़ गए। तब भगवान बोले, भैया खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, क्यों छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाला पड़ता न चुभता कोई कांटा, न पग में छाला पड़ता न चुभता कोई कांटा। वो
गोकुल से मैं पैदल तेरे ओ हो 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 गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रज धाम बताओ गोकुल से आया मैं गोकुल का कन्हैया हूँ तूने छवि गोकुल वाले कन्हैया की मन में बसाई और बैठा वृंदावन में है तो तेरे लिए मैं वहां से यहां आया इसलिए अब क्या कहते हैं खान साहब श्याम की बातें सुनकर हुआ वो श्याम दीवाना कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मैंने ठान लिया है लिखूंगा पत्र तेरे ये मैंने ठान लिया है श्याम प्रेम रस बरसा करके श्याम प्रेम रस बरसा करके खान हुए रस खान बताओ के भूखे हैं भगवान प्रेम के भूखे हैं भगवान भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम बताओ कहाँ प्रेम से मिलते हैं भगवान प्रेम से मिलते हैं